नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईगल टेक में। दोस्तों आज मैं रात को वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन तभी मैंने अमेज़न ऐप खोला और आज मैं यहां आपके सामने हूं। एक स्पेशल वीडियो आपको मिल रहा है क्योंकि ऑफ़र ही कुछ ऐसा है। अमेज़न ने एक कैनन पे ऑफ़र लाया आप सबके लिए, ये वीकेंड ऑफ़र कहला रहा है अमेज़न, लेकिन इसको आप अगर मंथ एंड ऑफ़र कहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी मंथ एंड भी चल रहा है। देखो दोस्तों, अमेज़न ने जो ऑफ़र लॉन्च किया है, इस ऑफर को आप अगर यूज़ करोगे तो आपको ₹50 का कैशबैक मिलेगा आपके अमेज़न अकाउंट पे। आपको बस कैनन पे करने हैं, दो बारी ₹250 करके किसी भी UPI QR कोड में पे करो और ₹25 करके दो बार लेके जाओ, टोटल में ₹50 का कैशबैक। अभी स्पेशल वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है क्योंकि इस ऑफर को ना मेरे मैक्सिमम यूजर्स यूज़ कर सकते हैं। देखो इसका एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है कि जून के महीने में आपने अगर कोई भी कैनन पे ट्रांजेक्शन नहीं किया रहेगा अमेज़न से, तो आप इस ऑफर को अप्लाई कर सकती हो। अभी देखो जून के महीने में अमेज़न ने ऑल यूज़र्स कैनन पे ऑफर तो लाया नहीं था, एक ऑफर लाया था न्यू यूज़र के लिए। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे यूज़र्स बचे हुए हैं जिन्होंने UPI सेंड मनी तो किए हैं जून के महीने में, लेकिन कैनन पे नहीं किए हैं। तो सबके लिए मौका है कि आप अमेज़न पे 28 जून से लेकर 30 जून के बीच में स्कैनन पे करो और ₹50 का कैशबैक अमेज़न की तरफ से लेके जाओ। अभी आप अगर एक अमेज़न का ओल्ड यूज़र हो, न्यू यूज़र हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर जून के महीने पहले कभी स्कैनन पे किए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर जून के महीने में UPI सेंड मनी किए रहेंगे, UPI ID को देखिए या फिर बैंक अकाउंट IBC कोड वगैरह देखिए, तो भी चलेगा। बस एक ही क्राइटेरिया है, जून के महीने में आपने अगर अमेज़न का स्कैनन पे ऑप्शन को सिलेक्ट करके किसी भी UPI QR कोड में पैसा नहीं भेजा रहेगा तो आपको इसके लिए कैशबैक मिलेगा। तो बॉस मुझे उम्मीद है कि ऑफ़र आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं फिर भी अप्लाई करके दिखाना चाहता हूँ। देखो ऑफ़र का ड्यूरेशन है 28 जून से लेकर 30 जून के बीच में। आप अगर अमेज़न ऐप को ओपन करोगे लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करने के बाद में, उसके बाद आप अमेज़न पे ऑप्शन पे जाओगे तो फिर क्या रहेगा, आपको एक ऑफ़र दिखेगा स्कैनन पे वाला। उस ऑफ़र का टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ो, उसके बाद अमेज़न स्कैनन पे ऑप्शन पे सिलेक्ट करो, किसी भी UPI QR कोड को स्कैन करो, चाहे वो पेटीएम का हो, फ़ोनपे का हो, फ्रीचार्ज का हो, बस QR कोड जो है UPI वाला होना चाहिए। फिर आप अमाउंट पे डालो ₹250, उसके बाद पेमेंट कर दो UPI पिन देने के बाद। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, विद इन 3 working days आपको ₹25 का कैशबैक मिलेगा। अभी देखो बहुत लोगों को इंस्टेंट कैशबैक मिल रहे हैं, बहुत लोगों को नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पे अमेज़न लिखता है ना कि विद इन 2 working days आपको कैशबैक मिल जाएगा, उधर ही ज़्यादातर अमेज़न जो है सबको इंस्टेंट कैशबैक दे देता है, लेकिन इस केस में बहुत लोगों को इंस्टेंट कैशबैक नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे केस में मुझे मिल गया, मैं आपको दिखा दूंगा। अभी मेरे को और एक ट्रांजेक्शन कर लेने दो। जैसे ही मैं और एक ट्रांजेक्शन करता हूँ, UPI QR कोड को दे के ₹250 पे कर देता हूँ UPI पिन दे के, तो क्या रहेगा, आप देख सकते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। और जैसे ही मैं अपने स्टेटमेंट को चेक करता हूँ तो मुझे इधर 2 कैशबैक मिल चुके हैं, दोनों ही किस लिए, स्कैनन पे वीकेंड ऑफर, समझ रहे हो। तो मैंने बस 1 मिनट पे दोनों ट्रांजेक्शन किए अपने पेटीएम QR कोड को स्कैन करके, और मुझे अमेज़न पे ₹50 का कैशबैक मिल गया। और इस ₹50 को यूज़ करके मैं अभी अमेज़न पे शॉपिंग कर सकता हूँ, रिचार्ज या फिर बिल पेमेंट कर सकता हूँ, या फिर जो भी और भी सर्विसेज मिलते हैं अमेज़न से उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो अमेज़न से जाओ और स्कैनन पे करो, और कैशबैक मिल जाने के बाद मुझे वीडियो के नीचे कमेंट पे बता भी देना, और वीडियो को एक लाइक भी करके जाना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके जाना, क्योंकि सबको अमेज़न की तरफ से ये ₹50 का कैशबैक जो है वो मिलनी चाहिए। दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको अभी तक पता ही नहीं कि अमेज़न पे UPI को कैसे सेट करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। आप लोग अमेज़न ऐप को लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करो, उसके बाद अमेज़न पे ऑप्शन पे जाके UPI ऑप्शन दिखेगा, उधर जाके आप अपना बैंक अकाउंट को लिंक कर लो। इसके लिए एक ही चीज़ ज़रूरी है कि जिस मोबाइल नंबर से आपने अमेज़न अकाउंट बनाया है उसी मोबाइल नंबर से आपका कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो पेमेंट बैंक हो या फिर फिजिकल बैंक। जैसे आप अपने UPI को लिंक कर लोगे, फिर आप UPI से भी सेंड मनी कर पाओगे, स्कैनन पे करके भी सेंड मनी कर पाओगे, और उसके लिए आपको कैशबैक मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ऑफ़र आपको बिल्कुल भी अच्छे समझ में आ गया होगा, ऑफ़र का टर्म्स एंड कंडीशन आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे। तो जाओ फटाफट से उसके बाद इस ऑफ़र को अप्लाई करो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।